हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टेनो एकेडमी। आज मैं आपको कुछ ऐसी नॉलेज दूंगी जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपने डिक्टेशन में कोई भी वर्ड कैपिटल लिखना है या स्मॉल लिखना है, किस तरह से आपको वर्ड्स को लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। वो एग्जाम्पल आपके डिक्टेशन में आ गया किसी पर्सन का नेम या कोई भी डे या कोई भी मंथ, तो आपको वो क्या करना है, उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल डालना है। फॉर एग्जाम्पल राकेश, श्याम, या कोई डे का नेम आ रहा है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, जैसे कि डेज ऑफ वीक होते हैं, और मंथ का नेम आ रहा है सितंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनका जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे मैं चलती हूँ, नेम ऑफ ए कंपनी, फर्म और ब्रांड। तो मैं आपको एक एक या दो दो एग्जाम्पल देके स्टूडेंट्स समझाती जाऊंगी ताकि आपको अच्छे तरह से क्लियर हो जाए कि आपको कैसे और क्या वर्ड्स कैपिटल लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस कंपनी है, टाटा कंपनी है, या जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम कहें फर्म का नेम है मैसर्स घनश्याम एंड ब्रदर्स। तो इसको स्टूडेंट्स जैसे मैंने डाला है ना, बिल्कुल सेम वे से आपको डालना है। एंड या एंड आप कोई भी डाल सकते हो, वहां पे एग्जाम में आपको ये वाला एंड अलाउड नहीं होगा तो आप ये वाला भी डाल सकते हो, ब्रदर्स। कोई भी ब्रांड का नेम आ गया, ठीक है, वो भी इसी के बीच में ही कवर हो गया स्टूडेंट्स, जैसे कि रिलायंस या जियो ब्रांड भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर आगे हम देखें तो प्लेस, जैसे चेन्नई, सॉरी ये स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया, चेन्नई, हैदराबाद। नेम ऑफ ए केस, स्टेट वर्सेस लालचंद, ठीक है, और श्याम वर्सेस राम, कोई भी आ गया। ठीक है, और नेम ऑफ स्टेट में भी जैसे कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ऐसे हमारे बहुत से स्टेट्स हैं इंडिया के, या कोई भी प्लेस का नाम आ जाए, ठीक है, तो वो हमेशा कैपिटल आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, कहीं का भी कोई भी एड्रेस है एग्जाम में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉक नंबर, एनी काइंड ऑफ हाउस नंबर, एनी कॉलोनी, ठीक है, तो वो भी हमारा कैपिटल आएगा। कोई भी तरह की रिट्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि को वारंटो, सर्टिफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे प्रोहिबिशन, हैबियस कॉर्पस, तो ये रिट्स के नेम जो आ जाएंगे वो कैपिटल आ जाएंगे। अब कोई भी तरह की लैंग्वेज आ रही है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, पंजाबी, एटसेट्रा, एनी काइंड ऑफ लैंग्वेज, वो हमेशा वो क्या आएगी, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं, कोई भी क्वालिफिकेशन आ रही है, ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल जैसे बीए, देखो शॉर्ट फॉर्म तो कैपिटल में आएगी ही आएगी। अब इसी की अगर हम ये लिखें कि फुल फॉर्म है, जैसे कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, ये भी कैपिटल आएगी, बैचलर ऑफ कॉमर्स और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी कैपिटल आएगी। अब आगे आ जाता है कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी मिनिस्ट्री, ठीक है स्टूडेंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, जैसे यही एग्जांपल मैं आपको लिख के बता देती हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, तो ये जो है इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। कोई भी ट्रिब्यूनल है या एक्ट आ रहा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल,
एक्ट आ रहा है, जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट, जैसे कि ट्रिब्यूनल का कोई भी नेम हो गया, मोटर एक्सीडेंट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल हो गया, ठीक है, तो वो भी उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। जजेस की बेंचेस आ गई, 3 जज बेंच, फुल बेंच, डिवीजन बेंच, ठीक है, तो ये जो भी बेंचेस हैं ये कैपिटल आएंगे। गवर्नमेंट की स्कीम्स आ गई, जैसे कि कोई बहुत सारी हमारे भारत में योजनाएं अभी चल रही हैं, तो उनमें से जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, आयुष्मान भारत योजना, मुद्रा योजना, ठीक है, रोजगार के रिलेटेड काफी योजनाएं चली हुई हैं, तो वो कैपिटल आएंगे, ठीक है। और जैसे कि हाईवेज, NH28, ये इसी तरह से आएंगे जैसे मैं लिख रही हूँ हाइफन डाल के, ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हाईवेज कैपिटल आएंगे। रेलवेज, जैसे साउथ इंडियन रेलवे, साउदर्न जिसको हम बोल देते हैं, जैसे साउदर्न रेलवेज कभी कभी लिखा आता है ना, नॉर्दर्न रेलवेज, ठीक है, तो ये कैपिटल आएंगे। आगे आ जाते हैं गवर्नमेंट के प्रेमिसेस या फिर गवर्नमेंट की हायरार्की, ये मैं दोनों इकट्ठे ही लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट हो, एग्जाम नजदीक है। तो गवर्नमेंट के प्रेमिसेस जैसे कि प्रेसिडेंट से सेक्रेटरिएट, हायरार्की में आ जाता है जैसे कि विधानसभा, ग्राम पंचायत, ठीक है, या फिर हम कह देते हैं पार्लियामेंट या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकसभा, तो ये सारे जो हैं कैपिटल आएंगे इनके फर्स्ट लेटर्स। उसके बाद किसी भी तरह की शॉर्ट फॉर्म्स आ रही हैं, जैसे कि RAJ, ठीक है, जैसे कि कोई भी और लेजेंड, जैसे WP, CWP, ठीक है, तो ये सारी जो हैं RCR, ये शॉर्ट फॉर्म्स आपने साइटेशंस में काफी देखी होंगी, ठीक है, तो ये साइटेशन में रिपीट होती हैं, तो ये सारे पूरे पूरे इनके लेटर्स जिसी तरह से कैपिटल आएंगे जैसे मैं बता रही हूँ स्टूडेंट्स आपको। उसके बाद हम आगे चलते हैं वर्ड्स विद न्यूमेरिक वैल्यू। तो वर्ड्स विद न्यूमेरिक वैल्यू काफी बच्चे इसमें बहुत मतलब परेशान है, जैसे आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन है इनमें कि कौन सा वर्ड कैपिटल आएगा कौन सा वर्ड स्मॉल आएगा, जैसे सेक्शन, सेक्शन के बाद नंबर आ जाता है 4, ऑर्डर 7, रूल 7, चैप्टर 4, जैसे चैप्टर के साथ कोई वर्ड आ जाता है ना तो उसको रोमन में कोशिश करिए कि रोमन में डालिए, नहीं डाल सकते हैं कोई बात नहीं, बट ये आप कोशिश करिए कि रोमन में डालें। एनेक्सर, एनेक्सर 3, एनेक्सर 2, ठीक है, तो ये कैपिटल आएंगे सारे। सम अदर कैपिटल वर्ड्स, ये मैंने स्टूडेंट्स टाइटल इसलिए दिया है कि इनमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूंगी कि इसेंशियल कैपिटल कौन सा होना चाहिए कौन सा नहीं होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपको फर्स्ट जो 3 लिखे हैं ना, ये इसेंशियली कैपिटल आएंगे, इनको आप सोच के भी गलत मत कर देना, ये स्मॉल मत लिख देना, इनकी मिस्टेक होगी। अभी तक मैं जितने बता चुकी हूँ आपको बच्चों, वो आप सभी कैपिटल लिखेंगे, इनको गलती से भी स्मॉल मत लिखना, जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, या कोई भी एक्ट या कोई भी नेम, डेज, मंथ्स, जो मैं आपको बता चुकी हूँ अभी तक, वो सारे कैपिटल आएंगे। उसके बाद जो ये जो वर्ड्स हैं, इनका कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इनको कैपिटल ही लिखें, बट काफी बच्चे इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कैपिटल लिखना है या स्मॉल लिखना है, तो जो बच्चे जिस तरह से लिख रहे हैं मैं एडवाइस दूंगी कि वैसे ही लिखें, ठीक है, और अगर आपको मेरी ही बात माननी है तो आप इनको कैपिटल में लिखें, ठीक है स्टूडेंट्स। और कुछ ऐसे वर्ड्स और भी हैं जो कंपल्सरी स्मॉल एंड कैपिटल, ठीक है, जैसे कि रिस्पोंडेंट नंबर 4, डिफेंडेंट नंबर 3, एक्यूज्ड नंबर 2, अपेलेंट नंबर 1, तो ये जो सारे हैं ना ये कंपल्सरीली स्मॉल हैं, ठीक है।
और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे जज हो गया, मैजिस्ट्रेट आ गया, ओनली कोर्ट आ गया, या कोई पोस्ट आ गई, ठीक है, उसको या उसकी कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि वो कैपिटल आएगा या स्मॉल आएगा। तो मेरी एडवाइस रहेगी बच्चों, पोस्ट को आप कोई भी मतलब डेजिग्नेशन है, जैसे कि आपको ज़्यादा क्लियर होगा, डेजिग्नेशन को आप कैपिटल लिखें, मेरी एडवाइस है। और जो कोर्ट है वो आप कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, मैंने इस तरह से आपको रेकमेंड किए हैं, बाकी आगे आप देखेंगे। और बाकी कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एपेलेट कोर्ट, फैमिली कोर्ट, ठीक है, इसी तरह से फेडरल कोर्ट, फास्ट ट्रैक कोर्ट, गार्डियन कोर्ट, लेबर कोर्ट, इनकम टैक्स कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट, जुविनल चाइल्ड कोर्ट, ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट, म्यूनसिप कोर्ट, मेंटेनेंस कोर्ट, मैजिस्ट्रल कोर्ट, प्राइज कोर्ट, पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट, रिविजनल कोर्ट, रेफरेंस कोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्टेशन कोर्ट, ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट, साकेत कोर्ट, स्पेशल कोर्ट, सेशन कोर्ट, स्मॉल कॉजेज कोर्ट, तो डेजिग्नेटेड कोर्ट। ये सारे आपको मैंने इसलिए बोल के बता दिए क्योंकि इतना कुछ मैं नहीं लिख सकती थी, मेरे पास एक लिमिटेड सा ही टाइम है और इतना मैं आपको लिख के नहीं बता सकती थी। ये सारे आप कैपिटल लिखें, मेरी एडवाइस यही रहेगी आपको, ठीक है। और कुछ बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं जैसे कि कोर्ट मटेरियल, कोर्ट फी, कोर्ट रूम, कोर्ट की, ये भी इनमें भी कोर्ट वर्ड आ रहा है, बट मैं आपको ये बोलूंगी कि ये कंपल्सरीली स्मॉल आने वाले वर्ड हैं, ठीक है। सबॉर्डिनेट कोर्ट आ गया, लोअर, हायर, इंफीरियर, कंपिटेंट कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सेशंस ऑफ कोर्ट, तो ये आ गया। यहाँ पे आप कोर्ट कैपिटल लिख सकते हैं, अदरवाइज आप स्मॉल लिखें। और स्टूडेंट्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर किया है। थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।